अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा एकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग MDCAT 2013 का पास पेपर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इसका केमिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट MCQ इज़ हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, द रेशियो ऑफ मैसेस ऑफ रिएक्टेंट्स इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स की रेशियो पूछी हुई है, ठीक है, रिएक्टेंट्स के मैसेस की। तो हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 1, और क्लोराइड का होता है 35.5। ओके, सो यही रेशो बन जाएगी क्योंकि दोनों दो दो में प्रेजेंट हैं। सो 1:35.5, अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट इज अ सैम्पल ऑफ नियोन इज फाउंड टू एग्जिस्ट एज नियोन 20, 21 और 22, तीन मैसेज में ये प्रेजेंट है, ठीक है। मैस स्पेक्ट्रम ऑफ नियोन इज एज फॉलो। मैस स्पेक्ट्रम उसका उन्होंने ये बताया हुआ कि इनकी कितनी अबंडेंस है हर एक की। वॉट इज़ द रिलेटिव अटोमिक मैसेज, और नियोन का रिलेटिव अटोमिक मैस उन्होंने पूछा हुआ है। तो इसका जो रिलेटिव अटोमिक मैस बनेगा वो बनेगा 20.28। ओके, द नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl क्रिस्टल इज, Na में एक सोडियम जो है वो 6 क्लोराइड से जुड़ा होता है, सो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज देर आर 4 गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री सेल्सियस, विच गैस शोज ग्रेटर नॉन आइडियल बिहेवियर। तो इनमें से सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो CO2 का होगा। ओके, द नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सबशेल इज, अच्छा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी आपने फाइंड आउट करना है, तो वो बनेगा 5s ग्रेटर देन 3d ग्रेटर देन 4s ग्रेटर देन 3p। ओके, द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आइन, क्लोराइड आइन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं 8। ओके, द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, द रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन ऑर्डर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दो पेयर होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो हमने इनको रिपल्सिव फोर्सेज के लिहाज से इनको अरेंज करके देना है। सो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा अल्फा। लोन पेयर रोन पेयर की जो रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं वो ग्रेटर होती हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से, और वो ग्रेटर होती हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से। ओके, द नेक्स्ट इज इन क्रिस्टल लेटिस ऑफ आइस ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू, क्रिस्टल लेटिस ऑफ आइस में हर ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होता है? सो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होता है। ओके, द नेक्स्ट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है? तो ये होती है -394 किलोजोल पर मोल। ओके, द नेक्स्ट इज रिएक्टेंट्स हैव हाई एनर्जी देन प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, इसका मतलब जब रिएक्शन हुआ होगा रिएक्टेंट्स ने अपनी एनर्जी निकाल दी होगी, इसीलिए तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी उन्होंने एनर्जी और एब्जॉर्ब की और प्रोडक्ट्स बन गई, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा हो वो एंडोथर्मिक होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो वो एक्सोथर्मिक होता है। ओके, द नेक्स्ट इज इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन शुड बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट इज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट वाटर का कितना होता है? तो ये होता है 1.86। ओके, इन द फिगर गिवन बिलो द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट इज फ्रॉम, अच्छा एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन या करंट जो है वो किस तरह मूव करेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडोक्स रिएक्शन, इनमें से रिडोक्स रिएक्शन कौन सा है? सो चार्ली 2Na+Cl2 आफ्टर रिएक्शन 2NaCl इज ए रिडोक्स रिएक्शन। द नेक्स्ट इज द केमिकल सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर गिव्स H+, हमें पता है एसिड जो है वो H+ देता है, ओके, और बेस जो है वो OH- देता है। द pH ऑफ आवर ब्लड, हमारी ब्लड की pH जो है वो 7.35 से 7.4 के दरमियान होती है, ठीक है, ये MCQ केमिस्ट्री में भी आता है और यही MCQ बायोलॉजी में भी आता है, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट इज इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन आप जितनी मर्जी बढ़ाई जाए रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ना। द नेक्स्ट इज वॉट इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट पीरियड्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का
ट्रेंड क्या आता है? तो ट्रेंड ये होता है कि पहले वो इंक्रीज करते हैं फिर वो डिक्रीज करते हैं. सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज अलोंग ए पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. ओके दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेडियस इज ड्यू टू. अच्छा जब पीरियड के अलोंग हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है. क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो ज़्यादा होते चले जाते हैं. ठीक है. और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होते चले जाते हैं. आपस में फोर्सेस जो है वो एक ज़्यादा होती चली जाती हैं. इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है. इस वजह से जो रेडियस है वो कम होता जाता है. ओके द नेक्स्ट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड्स. द सोलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स इन वाटर इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीडाइज इज लीस्ट सोलूबल इन मेटल. कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो वाटर में सबसे कम सोलूबल है? तो ये बनता है MgO. ओके द नेक्स्ट इज विच वन पेयर हैज़ द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन. ठीक है, हमने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें से देखनी है कि दोनों में सेम किसकी होगी. यहाँ पे FeSO4 है, SO4 के ऊपर जो है वो -2 होता है, तो इधर बनेगी Fe के ऊपर +2. ठीक है, इधर Fe की +2 है, इधर Cl के ऊपर -1 होता है, 3 हो गएगी तो Cl के ऊपर -3 हो जाएगा टोटल, और Fe के ऊपर बनेगा +3. तो ये दोनों तो सेम ना हुई. इनमें से जो सेम बनती हैं वो बनती हैं चार्ली के ऊपर. ठीक है, Fe के ऊपर भी +2 है और Fe इधर भी Fe के ऊपर +2 ही है. ओके द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन. इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी +3. ओके द नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया. एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया जो है वो केमिकली किस नेचर का होता है? तो वो बेसिक नेचर का होता है. ओके द नेक्स्ट इज अनपोल्यूटेड रेन वाटर हैज़ पीएच ऑफ. अनपोल्यूटेड रेन वाटर जो है उसकी पीएच कितनी होती है? तो उसकी पीएच जो है वो 5.6 होती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, मिलके ये कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, जिसकी वजह से उसकी पीएच अनपोल्यूटेड, बेशक वो अनपोल्यूटेड हो लेकिन उसकी जो पीएच है वो 5.6 होती है, वो एसिडिक में ही लाई करती है. नेक्स्ट इज इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन गैस अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल एंड देयर फॉर नाइट्रोजन गैस जो है वो वेरी लेस रिएक्टिव होती है. ओके द नेक्स्ट इज द कैटलिस्ट यूज इन हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस में हम आयरन क्रिस्टल्स यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट. ओके नेक्स्ट इज सेलेक्ट दी न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम दी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? इनमें से NH3 जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है. ओके द नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हेलाइड्स टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल की तरफ एल्काइल हेलाइड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बनता है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनका बनता है HI आयोडीन के साथ जो है वो ग्रेटर होता है HBr ब्रोमीन से, वो ग्रेटर होता है क्लोराइड से, वो ग्रेटर होता है फ्लोराइड से. ओके सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज कंसीडर द रिएक्शन गिवन इन द बिलो. रिएक्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू. रिएक्शन टू जो है वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन बनता है. ओके द नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. ये एक रिएक्शन दिया हुआ है C2H5OH प्लस PCl5. व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. कौन सी प्रोडक्ट्स बनेंगी? तो प्रोडक्ट्स बनेंगी C2H5Cl, POCl3 और HCl. ये तीनों प्रोडक्ट्स बनेंगी. ओके आगे उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका नाम क्या? इसका नाम है पिक्रिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर एथानोल एंड फिनोल हैज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ. तो इसमें जो करेक्ट ऑर्डर बनता है वो बनता है बीटा. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर देन फिनोल, ग्रेटर देन वाटर विच इज ग्रेटर देन एथानोल. ओके द नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम एस्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड एथानोल इज ए. ये जो रिएक्शन होता है ये टाइप जो बनती है वो बनती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ओके द नेक्स्ट इज मिथाइल साइनाइड ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड और अल्कलीज यील्ड. तो ये क्या बनाता है? ये एस्टिक एसिड बनाता है. ओके द नेक्स्ट इज द अमाइनो एसिड्स विच लार्जली एग्जिस्ट इन बाईपोलर आयोनिक फॉर्म आर. ये अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? ये होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स. ओके द नेक्स्ट इज टू और मोर अमाइनो एसिड्स कंडेंस टू फॉर्म प्रोटीन बाय अ पेप्टाइड लिंकेज विच इज रिसेंट बिटवीन टू एटम्स. ये कौन से दो एटम्स के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज बनता है? ये कार्बन और नाइट्रोजन के एटम्स के दरमियान बनता है. ओके द नेक्स्ट इज अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कंपाउंड्स हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अमाइनो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू. ये अमाइनो फंक्शनल ग्रुप इसके जो है वो किस चीज़ के साथ अटैच होते हैं? ये अटैच होते हैं सेम कार्बन एटम के साथ. ओके द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अमाइनो एसिड. इस अमाइनो एसिड का नेम क्या है? जहाँ पे आर जो है वो CH3 होगा. ठीक है, स्ट्रक्चर में आर जो है इसकी जगह अगर CH3 आ जाए तो ये कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा? तो ये एलानिन बनेगा. ओके नेक्स्ट इज
पोलीविनाइल एसीटेट पीवीए इज अ कलरलेस एंड नॉन टॉक्सिक रेजिन यूज एज एडहेसिव एंड एज ए बाइंडर फॉर मेकिंग, ये पेंट्स बनाने के लिए यूज होता है. ओके, बोथ राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस आर मोनोसेक्राइड्स कंटेनिंग डैश कार्बन एटम्स. राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में कार्बन एटम्स कितने होते हैं, तो दोनों में कार्बन एटम्स जो है वो 5 होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द इंक्रीज क्वान्टिटीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड मेक प्लैक लाइक डिपोजिट्स इन द आर्टरीज काजिंग, ये हार्ट अटैक करवा सकता है. ठीक है, जब आर्टरीज बंद हो जाएंगी तो हार्ट अटैक ही आना है. द नेक्स्ट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमर की. ठीक है, द नेक्स्ट इज कोलाजन इज ए फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट मोस्ट अबंडेंटली इन, कोलाजन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है और वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो टेंडन्स में पाया जाता है पूरी बॉडी में. ओके, नेक्स्ट इज एनिमल्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन, ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होती है लीवर और मसल्स में, ये बायो में भी हमने पढ़ा था. ओके, नेक्स्ट इज एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज बाय बैक्टीरिया इन वाटर सेडिमेंट्स प्रोड्यूस, ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है. ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर द केमिस्ट्री सेक्शन इज द येलविश ब्राउन कलर इन फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये मेनली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ओजोन की वजह से प्रेजेंट होता है. इन दोनों में से जो भी लिखा होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, लेट्स एंड हियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.